जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में लोग एचपीएल इलेक्ट्रिक और पावर लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं। छोटी सी कंपनी जिसका शेयर प्राइस इन दिनों रॉकेट बना और लगातार ऊपर की तरफ ही जा रहा है। इसमें अपर सर्किट प्रॉपर सर्किट चल रहा है। समझने का प्रयास करेंगे क्या इसमें प्रॉफिट बुकिंग करने का समय आ गया है, और उससे भी जरूरी सवाल ये है कि क्या अभी इसमें नया इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा, क्योंकि अब जाके ये जो स्टॉक है बहुत सारे रिटेल निवेशकों के नज़र में आया है। तो मेन चीज़ इसी पर बात करेंगे। चलिए शुरुआत शुरू से करते हैं और हर एक पहलुओं को इसमें टच करेंगे। एचपीएल इलेक्ट्रिक और पावर लिमिटेड का शेयर प्राइस अभी एक दिन में देखेंगे तो 212 रुपए के आसपास ये चलते हुए दिखाई देगा, और एक दिन में यहाँ तकरीबन 10% के आसपास तेजी से स्टॉक में देखने को मिल रहा है। ये अपर सर्किट का ही कमाल है। पिछले एक सप्ताह में बात करें तो एक सप्ताह में स्टॉक तकरीबन 25% के आसपास आपको चढ़ते हुए दिखाई देगा। 25% का रिटर्न एक सप्ताह में कम बात नहीं होती। पिछले एक मंथ की बात करें तो एक मंथ में स्टॉक तकरीबन 73% चढ़ा हुआ है यहाँ पर, और पिछले सिक्स मंथ में देखेंगे तो सिक्स मंथ में स्टॉक तकरीबन आपको 109% का रिटर्न निकाल कर आपको दिया हुआ है। यानी कि यदि आप 1 लाख रुपये लगाए रहते तो 2,09,000 रुपये इस पिछले सिक्स मंथ में बन गए होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एचपीएल पावर इलेक्ट्रिक लिमिटेड के काम फंडामेंटल और चार्ट के माध्यम से एनालिसिस करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं क्या इसमें अभी इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा या नहीं। सबसे पहले काम की बात करें, देखिए ये इलेक्ट्रिक चीज़ें बनाई जाती है उसके लिए हैवी इक्विपमेंट बनाने का काम करती है, और साथ में ये थोड़े बहुत पावर के सेक्टर से भी कंपनी जुड़ी हुई है, इसलिए इस कंपनी का नाम एचपीएल इलेक्ट्रिक और पावर लिमिटेड कंपनी है। मोटा मोटी बात यह है कि इलेक्ट्रिक और पावर के सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। अब इस कंपनी के यदि हम लोग फंडामेंटल की बात करें तो देखिए तकरीबन 1,363 करोड़ के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप है। देखिए मार्केट कैप शुरू से कंपनी का एक स्मॉल कैप श्रेणी की एक कंपनी है, जिस कंपनी का भी शेयर प्राइस 212 रुपये के आसपास चल रहा है, जो कि बुक वैल्यू से अधिक है। ये काफ़ी बढ़िया बात है। स्टॉक का पी देखेंगे तो 45 के आसपास है, यानी कि वैल्यूएशन वाइज थोड़ी महंगा अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से स्टॉक ठीक नहीं है। हालांकि इसका आरओई और आरओसी देखेंगे तो ये पॉजिटिव में काफ़ी कमाल की बात है, यानी कि माइनस में नहीं, तकरीबन 4% के आसपास आरओई है और तकरीबन 9% के आसपास आरओसी। आपके इन्वेस्टमेंट पर साल भर में कंपनी अच्छी खासी रिटर्न निकाल कर आपको दे ही देगी। अब चलिए यहाँ पर लोग चार्ट का बात करते हैं। एक साल का चार्ट अभी मैंने ओपन किया हुआ है। एक साल का चार्ट पर आप देखेंगे कि इस कंपनी का शेयर प्राइस अभी जाके इस साल यहाँ पे देखेंगे जून के बाद से इसमें जो लंबा ब्रेकआउट हुआ है, इस ब्रेकआउट के पहले इस स्टॉक का प्राइस देखेंगे तकरीबन 100 रुपये के आसपास चल रहा था, और जब यहाँ से प्राइस ऊपर उठा तो अभी 212 रुपये के आसपास आपको जाते हुए दिखा है। देखिए लंबी अवधि के चार्ट पर जब हम देखेंगे तो बातें ज़्यादा क्लियर होंगी। मैंने यहाँ 5 साल का चार्ट ओपन किया और 5 साल के चार्ट पर देखेंगे तो इतना लंबा जो इस स्टॉक में ग्राफ देखने को मिल रहा है, शेयर प्राइस लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें पंप एंड डंप कराया जा रहा है, यानी कि इसमें पूरी तरीके से इस स्टॉक में ऑपरेटर हावी है, क्योंकि ऐसी कोई न्यूज़ या कोई इसका फंडामेंटल इतना ज़्यादा मजबूत नहीं हो गया अचानक से कि इस कंपनी का शेयर प्राइस इतना लंबा छलांग लगा दे एक सप्ताह या दो सप्ताह में स्टॉक का प्राइस डबल हो जाए। बात करते हैं कि अभी नया इन्वेस्टमेंट करना इसमें ठीक रहेगा, तो देखिए अभी न्यू इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये स्टॉक ठीक नहीं है, क्योंकि अब जाके यहाँ पे क्या होगा, स्टॉक का प्राइस काफ़ी ऊपर चला गया, इसमें अब प्रॉफिट बुकिंग होगी, और जैसे यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होगी इसमें लग जाएगा लोअर सर्किट, और लोअर सर्किट लग जाएगा तो जो लोग इसमें बने हुए हैं वो अपना शेयर नहीं बेच पाएंगे। इसलिए जिनका पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट है उनको क्या करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करते रहना चाहिए, क्योंकि जब प्राइस नीचे की तरफ आने लगेगा तो प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ इसमें नया इन्वेस्टमेंट करना अभी ठीक नहीं रहेगा। और यदि इस कंपनी के थोड़े बहुत यहाँ क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें, देखें क्वार्टरली रिजल्ट में कि इस बार कंपनी का जो मार्केट जो सेल्स हुआ है क्वार्टर फोर के रिजल्ट में, ये पिछले क्वार्टर मुकाबले ज़्यादा हुआ है। इसका फंडामेंटल देखेंगे धीरे धीरे इंक्रीज ही हो रहा है, क्योंकि सेल्स कंपनी का लगातार बढ़ रहा है, सेल्स ही नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पर जब नेट प्रॉफिट की हम बात करते हैं तो देखेंगे नेट प्रॉफिट भी कंपनी का आपको बढ़ते हुए दिखाई देगा पिछले कुछ क्वार्टर में। तो क्वार्टर फोर में कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 11 लाख के आसपास हो गया, सॉरी 11 करोड़ के आसपास हो गया, इसलिए इस कंपनी का शेयर प्राइस में दिनों रॉकेट बना हुआ है। लेकिन ओवरऑल यदि बात करें तो इस कंपनी में अभी क्या करना है कि नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। किसी का पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट है तो वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करते रहे, क्योंकि इसमें कभी भी तेज गिरावट आ सकती है। लंबी अवधि के लिए यदि आपका नजरिया है तो जब प्राइस स्टॉक का पी कम होगा और प्राइस गिर के एक सपोर्ट लेवल के आसपास आएगा, वहाँ पर आप थोड़ी बहुत इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जितना कि आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। उम्मीद करता हूँ एचपीएल इलेक्ट्रिक पावर लिमिटेड के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मन में कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।